बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय मामले में अब सियासत गर्मा गई है। इस मामले में अब कमलनाथ सरकार में मंत्री जीतू पटवारी ने बड़ा बयान दिया है। वहीं सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि समझ नहीं आ रहा कि आखिर कौन कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। दरअसल आज मीडिया से चर्चा के दौरान पटवारी ने कहा कि बीजेपी ने कांग्रेस पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। जिस तरह आकाश विजयवर्गीय ने बैट चलाए दुनिया ने देखा, ऐसे में कैसा षड्यंत्र। इस दौरान जीतू पटवारी ने सवाल उठाते हुए कहा कि कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ षड्यंत्र कौन कर रहा है, महापौर बीजेपी की, परिषद बीजेपी का और आरोप कांग्रेस पर। मैं समझता हूं पूरे देश ने उसकी निंदा की है, पूरी मीडिया जगत ने निंदा की है। जिस तरीके के विचार को भारतीय जनता पार्टी प्रतिपादित करती है, गोडसे ने जिस तरीके से महात्मा गांधी की हत्या की, आप देखोगे कि एक केंद्रीय मंत्री का बेटा गोली चलाता है, जेल के अंदर है। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं के बेटे भी लगातार हिंसक गतिविधियों में लिप्त पाए गए। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, मैं समझता हूँ ये सब बातें इनके विचार को, भारतीय जनता पार्टी के विचार को देश ने देखा है, इतना प्यार भी दिया है, देश जवाब भी देगा। भोपाल से EMS TV के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ आकाश सोनी की रिपोर्ट।